Praise it. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabhi ruse 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 dhanyavad. Hallelujah. Rabashindo ruso khodana. अपने हाथों को उठाओ, धन्यवाद करो आज के दिन के लिए। कहे खुदावन यीशु मसीह, हालेलुया, तू महिमा से भरा हुआ परमेश्वर है। खुदा खुदावन तू अति पाक और पवित्र है। तेरी हजूरी में आकर खुदावन हर इंसान की कमजोरियां खत्म होती। तेरी पाक और पवित्र हजूरी में खुदावन हर मांदगी खुदावन खत्म होती। तेरी पाक हजूरी में खुदावन आज का दिन जो खुदावन तूने मेरे देश को आजाद किया, मेरी कंट्री को आजाद किया, खुदावन ये आजादी तेरी तरफ से है। और खुदावन जिसे तू आजाद करता वो हमेशा के लिए आजाद है। हालेलुया। कहे खुदावन यीशु मसीह के नाम से, खुदावन इस अमेरिका में खुदावन तेरे नाम की बेदारी हो। खुदावन कांपते हुए डरते हुए तेरी पाक हजूरी में आने वाले बने ये लोग, और खुदावन तुझे पुकारे और तुझसे खुदावन वो चिंगियाई और रिहाई हासिल करने वाले बने। धन्यवाद करो, कहो पिता यीशु मसीह के नाम से हालेलुया, कोई भी बात अधूरी ना रहेगी, सब बातें पूरी की जाए। हालेलुया। सब बातों में खुदावन तेरे नाम की महिमा होगी, सब बातों में खुदावन तेरे नाम की रिहाई होगी, सब बातों में खुदावन बंधन टूटते हुए नजर आएंगे। क्यों ना खुदावन आज दोबारा हम अपने आप को खुदावन तेरे हाथों में सौंप करके, खुदावन बनाने वाला तू है, उसारने वाला तू, खड़ा करने वाला तू है। क्यों ना हम तेरी हजूरी में खड़े होकर कहें, खुदावन जब तू मेरे साथ है मुझे किसी बात की कमी घटी ना होगी, मुझे किसी बात की कमी घटी नहीं होगी, मेरे बच्चों को किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। बोलो अपने परमेश्वर से, यीशु मसीह के नाम से बोलो हालेलुया, और कहो दुष्ट आत्माओं को बताओ मुझे यीशु मसीह के नाम से एक नई दिलेरी मिली है, एक नए वाचा में मैं शामिल हुआ हूं। हालेलुया। आई एंटर इन द न्यू कवेनेंट विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। मैं उसी के नाम की महिमा में हूं। हालेलुया। और तेरा नाम खुदावन मेरी जिंदगी में ऊंचा हो सके। हालेलुया। सभी धन्यवाद करो, सभी धन्यवाद करो। हालेलुया। के खुदावन तू बड़े मेरी जिंदगी में, मैं घटूं आज। हालेलुया। और तेरे नाम से खुदावन आज जो मैं हम आराधना करने जा रहे हैं, आज खुदावन उस परमेश्वर के सामने खुदावन जो हमारी कमजोरियों को जानता और खुदावन उसे बल में तब्दील करने की ताकत रखता है, पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावन आज हम आजाद किए गए हैं। आज आजादी खुदावन तूने अपने बच्चों को दी है कि खुदावन अपना मुंह खोल सके आज। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हर कमजोरियां, हर बीमारियां यीशु मसीह के नाम से शर्मिंदा की जाए। से टू द लॉर्ड, हालेलुया, हर बीमारी तेरे नाम से शर्मिंदा की जाए। और तू ही मेरा राजा है और तू ही बढ़ता जा मेरी जिंदगी में। तेरा नाम पाक और पवित्रताई के साथ हमारी जिंदगी में ऊंचा हो। तू बड़े, हम घटे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। चर्च, हम अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने हाथों को उठाते हुए उस परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे। हालेलुया। मुझ में तेरी सांसें हैं, मुझ में तेरा लहू है, मुझ में तेरी आत्मा बसी है, मुझ में तेरा सांसें है, मुझ में तेरा लहू है, मुझ में तेरी आत्मा बसी है। इसको बार रिपीट करते जाए। हालेलुया सब लोग। मुझ में तेरी सांसें है, मुझ में तेरा लहू है, मुझ में तेरी आत्मा बसी है। एक बार फिर से गाएंगे। मुझ में तेरी सांसें हैं, मुझ में तेरा लहू है, मुझ में तेरी आत्मा बसी है। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। रूह से बोले हालेलुया। यीशु तू मेरा प्रभु, तुझ बिन मैं कैसे जीऊं। यीशु तू मेरा
जियूं प्रभु हालेलुया हालेलुया रुसे यीशु तू मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जियूं से है मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसे है मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है एक बार फिर से गाएंगे मुझ में तेरी सांसे है मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है मुझ में तेरी सांसे है मुझ में तेरा लहू है मुझ में तेरी आत्मा बसी है यीशु यीशु प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जियूं यीशु तू मेरा प्रभु तुझ बिन मैं कैसे जियूं प्रभु यीशु Yeshua
Yeah.
सब पर
कोई तकलीफ से ना डरूंगा, कोई बीमारी से ना डरूंगा, क्योंकि खुदावन मेरे पक्ष में है। हालेलुया, सभी तारीफ करो, धन्यवाद करो। हालेलुया, आज हर बीमारी शर्मिंदा हुई है और हर कलेश शर्मिंदा हुआ है, हर गरीबी शर्मिंदा हुई है। बोलो खुदावन यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। उठने वाला तूफान भी शर्मिंदा होगा, उठने वाली बीमारियां भी शर्मिंदा होंगी, क्योंकि वो खुदावन मेरे पक्ष में है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, खुश है। बोलो यीशु मसीह के नाम की, बोलो हालेलुया। जो दलेरी खुदावन ने आज आपको देनी है वो खुदावन ने तय किया है और जीत भी आपकी है। बोलो हालेलुया, बड़ी रूह के साथ उसकी महिमा करें। मैं फिर कहता हूँ हालेलुया, ये मौका, ये अवसर खुदा ने अपने लोगों को दिया। बोलो हालेलुया,
वो बंधन तोड़ने वाला खुदा है। बोलो हालेलुया। ऐसे रूह के मसा से भरो आज और मेरे खुदावन, और मैं उसी रूह के मसा से आगे बढ़ सकूं। बोलो हालेलुया। बोलो जोर दी यीशु मसीह के नाम की।
पाप में उलझे मन
खुदा की नज़ात के तारे को, खुदा की नज़ात के तारे को।
करीना पैर पैर उते धन्यवाद।
जेड़ा इस रमजनू समझू ना मुर जावेगा तो तक रुसे लेके आया गेरी लेके जावेगा जेड़ा तो तक लेके आया गेरी लेके जावेगा चल देवी ने ओता बन देवी ने सब बोलेंगे कम चल देवी ने सिर्फ यीशु मसीह के नाम में इंडिपेंडेंस डे है इस कंट्री का
और याद रखना आजादी देने वाला खुदा है, अपने लोगों को आजाद करने वाला खुदा है। अगर आप आजाद हो चुके हो ना, तो कभी मत सोचना कि कुछ बुरा होगा। मसीह लोगों के साथ कुछ बुरा नहीं होता। हमारे वचन में लिखा, वो मुश्किलों में भलाई पैदा करता है, वो कठिनाइयों में भी रास्ते खोल देता है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। ध्यान सुनो इस वचन को। I really want to encourage you। मैं आप सबको encourage करना चाहता हूँ इस कलाम से। हमारी खुशी खाली है अगर वहां पे यीशु नहीं है। हमारा गाना बजाना भी फजूल है अगर खुदावन नहीं है तो। हमारा बोल चाल भी फजूल है अगर खुदावन की सामर्थ और ताकत नहीं है तो। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। कितने लोगों ने महसूस किया है, अगर आपके घरों में सुख नहीं है, शांति नहीं है, तो आपके काम करने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता, राइट? और बाइबल कहती है वो शांति का राजा है, इज अ किंग ऑफ पीस। वी कैन डू एवरीथिंग इन द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, वी कैन डू एवरीथिंग इन द माइटी नेम ऑफ गॉड, द वन हु हैज मेड मी केपेबल ऑफ टू डू एवरीथिंग। क्योंकि खुदावंत की खुशी मुझ में है और मैं सारे काम कर सकता हूं, सारे बड़े से बड़े काम कर सकता हूं। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह के नाम की। बड़े ध्यान सुनना इस बात को, क्योंकि मैं थोड़ा समय लूंगा, आई विल टेक ओनली 15 मिनट्स, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे एंड वी विल डेफिनेटली मूव टुवर्ड्स बारबेक्यू। एवरीथिंग इज रेडी और जितने लोग आ भी रहे हैं रास्ते में, दे कैन ऑल्सो जॉइन अस एंड देन वी डू हैव अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज। समबडी से चले अपने आंखों में प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता यीशु, आज का दिन मुकर्रर किया खुदावन के तूने हमारी कंट्री को आजाद किया, हमारे देश को आजाद किया। और बाइबल कहती है जिसे खुदा आजाद करे उसे कोई भी बंदवाई में नहीं लेके जा सकता। और खुदा का कलाम कहता है तूने आजादी के लिए आजाद किया। और खुदावन यीशु मसीह के नाम से खुदावन आज दोबारा मैं तेरे पाक और पवित्र हिस्से में जब खड़ा हूँ, तेरी कलीसिया तेरे कलाम से जब सुनने जा रहे हैं, खुदावन मुझे पूरा यकीन है खुदावन एक नया बल, एक नई ताकत, एक नई सामर्थ इनकी जिंदगी में काम करेगी और खुदावंत उन्हें ऊंचा करेगा। किसी भी चीज की कमी ना हो, इनको सुनने वाले कान और मन दे कि खुदावंत जब तेरा कलाम, तेरा खालस कलाम जब इनसे बात करे तो मनों की सख्ताइयां टूटे। आज मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं खुदावंत, जो काम इतने सालों में नहीं हुआ आज खुदावंत वो हो जाए, वो मुकर्रर हो जाए। आज की गवाही खुदावंत तेरे बच्चों की जिंदगी में ठहर जाए और खुदावंत तेरा फजल इनकी जिंदगी में जाहिर हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते। सही बोलेंगे, जल्दी से अपनी बाइबल खोलो, जल्दी से एक वचन पढ़ेंगे। कितने लोग बाइबल लेकर आए आज संडे नहीं सी ना? बोलो बोलो हालेलुया, आज बारबेक्यू नहीं, कल खुदा कलाम भी है। Somebody say, जोर से बोलो। आज सुबह मुझे एक मैसेज आया और बड़ा अच्छा मैसेज था, किसी ने मुझे मैसेज किया, एक मैसेज किया और उन्होंने हैप्पी 4th of July लिखा और उन्होंने एक फोटोग्राफ भेजी। मैं अभी आई रियली वॉन्टेड टू शो यू, मेरे फोन पे एक फोटोग्राफ आई, एक तरफ से उन्होंने अमेरिका की फोटोग्राफ रखी हुई थी और एक तरफ उन्होंने मसीह के कैरेक्टर और खुदावन यीशु मसीह की फोटो रखी, और वहां पे नीचे लिखा गया था यीशु मसीह की खुशी परमानेंट है, आजादी परमानेंट है, हमें जो दुनिया और देश देती है वो टेम्पररी है। अमेरिका कि जो जो ताकतें हमारे पास है ना वो टेम्पररी है, खुदावन की ताकत हमेशा के लिए है। Somebody say, हम हैं तो ये कंट्री है, अगर हम नहीं है तो कंट्री भी नहीं है। बोलो आमीन। यहाँ के जितने भी हुकूमतें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, ये आपके वसीले जब आप दुआ करते हैं तो वो एक्ट करती हैं, अगर जब वो एक्ट करती हैं तो अच्छे प्लान बनते हैं। बोलो हालेलुया। आज इस कंट्री में खुदा का खौफ है, इसके पीछे कारण है प्रार्थना करने वाले लोग। यहाँ पे लोगों ने बीज बोया है, आंसुओं से बीज बोया है, गुड ने टेकन, उन्होंने परमेश्वर के सामने दुहाई दी है, ये कंट्री खौफ में चले तभी खुदा का कलाम इस जहाँ पे कार्य कर रहा है। बोलो हालेलुया। Somebody say, बोलो यीशु मसीह के नाम की। आपको खुदावन इस कंट्री में लेकर आया, शुक्रगुजारी है कि खुदा इस कंट्री में लेकर आया, पर एक बार याद रखना शुक्रगुजारी उसकी भी करो जहां पर खुदा ने आपको पैदा किया।
पता क्यों खुदावन ने आपको पैदा किया कि आप इस जगह पर आ सको, आप अपनी कंट्री के लिए प्रार्थना कर सको, दुआ कर सके कि वो भी कंट्री खुशहाल हो तेरे खौफ में चलने वाली बने, और वो ऐसा ही होगा। सबड़ी से बोलो हालेलुया। अगर खुदा हमें अच्छी चीजें देता है, इसके पीछे कारण है कि कौन सी चीजें खुदावन में कायम नहीं है वो कायम हो सके, आज वो होंगी यीशु मसीह के नाम। बोलो हालेलुया। जल्दी से पढ़ेंगे, कलाम पढ़ेंगे, जल्दी से खोलो यरमिया उसकी 32 चैप्टर और उसकी 26 आयत को दिलेरी से पढ़े, 26 आयत। हुण सारे बह जाइयो, ठीक है, हुण आराम ना बोल, ठीक है, जेडे बेडे बाहर काम करते पे उन्हां नूं काम कर लैणो ते बाकी नूं सारे बैठो। यरमिया 32, यरमिया न्यू टेस्टामेंट में पाया जाता है। किसी से मैंने पूछा था जफनाया की किताब खोलोगे तो हम लेकर नहीं आए, मैं बाइबल में होती है, जोड़ती नहीं बोले, ध्यान दो इधर, बोलो हालेलुया। जिन लोग सुनते जोर से बोलो हालेलुया। जरूरी है मेरे को सबको उठाना है, क्योंकि ना मैं उल्टे पटके से पानी ना पावा, ठीक है, तो पानी बुड़ी जावे संभड़ी से। कितने सोए जोर से बोलो, जितने लोगों को भूख लगी जोर से बोलो, एक जना उर्दू में पढ़े जैसे, एक जना हिंदी और इंग्लिश में पढ़ते जैसे। हाँ, किसी के पास है आप? यरमिया के पास पहुंचा, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? इसलिए यहोवा यूं कहता है, देख मैं यह नगर कस्दियों और बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर के वश में कर देने पर हूं और मैं इसको ले लेगा। जो कस्दी इस नगर से युद्ध कर रहे हैं वे आकर इसमें आग लगाकर फूंक देंगे, और जिन घरों की छतों पर उन्होंने बाल के लिए धूप जलाकर और दूसरे देवताओं को तपोवन देकर मुझे रिस दिलाई है, वे घर जला दिए जाएंगे, क्योंकि इजराइल और यहूदा जो काम मुझे बुरे लगते हैं वही लड़कपन से करते आए हैं, इसलिए इजराइली अपनी बनाई हुई वस्तुओं से मुझको रिस ही रिस दिलाते आए हैं, यहोवा की यह वाणी है। तब खुदावन का कलाम यरमिया पर नाजिल हुआ कि देख मैं खुदावन तमाम बशर का खुदा हूँ, क्या मेरे लिए कोई काम दुश्वार है? इसीलिए खुदावन यूं फरमाता है कि देख मैं इस शहर को कस्तियों के और शाहे बाबुल गुप्त नजर के हवाले कर दूंगा और वो इसे ले लेगा, और कस्ती जो इस शहर पर चढ़ाई करते हैं आकर उसको आग लगाएंगे और इसे उन घरों समेत जलाएंगे जिनकी छतों पर लोगों ने बल के लिए बहुत जलाया और गैर मामूदों के लिए तपान तपाए कि मुझे गजब ना करें। आमीन आमीन। बोलो हालेलुया। कर दो बाइबल बंद, ध्यान दो, फोकस देना। 10 मिनट में मैं फिनिश करूंगा, आपकी लाइफ बदल जाएगी, पर ध्यान से सुना दो। बोलो यीशु मसीह के नाम की। बोलो हालेलुया। परमेश्वर के कलाम एक बात लिखी है, बड़े ध्यान सुनना इस वचन को। वहां पे लिखा, खुदा कलाम में लिखा, क्या परमेश्वर, क्या खुदावन के लिए कोई काम मुश्किल है? क्या खुदावन के लिए ये मुश्किल है कि वो मुर्दा को जिंदा कर सके? क्या खुदावन के लिए ये मुश्किल है कि वो लंगड़े को चला सके? क्या खुदावन के लिए ये मुश्किल है कि वो आंखों को खोल सके? क्या खुदावन के लिए ये मुश्किल है कि वो कोई भी बीमारी को चंगा ना कर सके? बोलो हालेलुया। क्या खुदावन के लिए मुश्किल है? एक ही बात है जो परमेश्वर के लिए मुश्किल है। इज द ओनली वन थिंग आई फाउंड इन द बाइबल। मैंने एक ही बात खुदा के कलाम में से ढूंढी जो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता, वो चाह के भी नहीं कर सकता।
और बाइबल ऐसा कहती है परमेश्वर जिसे चाहे उसे ब्लेस कर सकता है, जिसे चाहे सिर बना सकता है, जिसे चाहे वो कंगाल से उसे राजा बना सकता है, जिसे चाहे सब कुछ कर सकता है। पर याद रखना यीशु मसीह किसी को हलीम नहीं बना सकता। हालेलुया। वो आपको पैसा जरूर दे देगा पर आपको हम्बल नहीं कर सकता। वो आपको घर तो दे देगा पर आपके घमंड को कैसे वो तोड़े। हालेलुया। ये बात बहुत ध्यान समझना इस बात। एक परमेश्वर के लिए सबसे आसान है आपको ब्लेस करना, पर बड़ा मुश्किल है आपको हलीम रखना। उसके लिए बहुत मुश्किल है कि आपको आपकी जिंदगी में परमेश्वर नम्रता के साथ डाउन टू अर्थ रख सके। बहुत मुश्किल है, वो करता ही नहीं है। याद रखना गॉड नेवर फोर्स एनीवन। और कभी कभी लोग कहते हैं ना इस बात को करेक्ट करो, इस बात को जो पास्टर भी बोलते हैं ना करेक्ट करो। होली स्पिरिट नेवर कंट्रोल एनीवन। होली स्पिरिट ऑलवेज गाइड द पीपल, इंटरसीड पीपल, नेवर कंट्रोल। कंट्रोल पदरुमा कर दिया या पवित्र आत्मा नहीं करता, खुदादा कलाम नहीं करता। बोलो हालेलुया। तुसी गलत काम करना चाहोगे ना परमेश्वर तुम गाइड करेगा, हाथ नहीं फड़ेगा कभी। से बोलो हालेलुया। मदर टेरेसा ने एक बात बोली, ध्यान सुनना, बिकॉज आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मैं आर्टिकल्स बहुत पढ़ता हूँ। मैंने मदर टेरेसा के बारे में पता ना सबको। मदर टेरेसा ने एक बात बोली, वहां पे लिखा था, कहते दुनिया में सबसे कंगाल बंदा पता कौन सा है, याद रखना। उन्होंने कहा सबसे कंगाल, सबसे गरीब इंसान वो नहीं जिसके पास पैसे नहीं, सबसे गरीब इंसान वो भी नहीं है जो किराए के मकानों में रहते हैं, सबसे गरीब इंसान वो भी नहीं है जिसके पास अपना घर नहीं है, अपना बिजनेस नहीं, अपनी नौकरी नहीं है। मदर टेरेसा ने एक बात बोली, कहते सबसे गरीब इंसान वो है जो कि अकेला रहता है, अनाथों वाली जिंदगी जीता, ऑर्फन्स वाली जिंदगी जीता। That's a, one of the most brokenness. मसीह में होने के बावजूद भी we live like an orphan. मसीह जिंदगी में आने के बावजूद भी we live like that we have nothing. याद रखो इस बात को, परमेश्वर ने जिसे स्वीकार किया, accept किया ना, खुदावन ने उसे सिर भी बनाया। बोलो हालेलुया। जोर से बोलो। कभी मत कहना कोई मुझे प्यार नहीं करता, मुझे ये नहीं होता, मुझे वो नहीं होता, ऐसे नहीं होता, वैसे नहीं होता। प्रॉब्लम पता क्या है, कोई आपको हर्ट नहीं करता, आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट करती। Somebody say, we expect so many things, that's why we got hurt. सोच के देखो, बोलो जोर दी, नहीं जोर दी नहीं बोलो। क्योंकि I'm very practical preacher, बोलो हालेलुया। जोर दी बोलो, यीशु मसीह ना दी। दुनिया में मैं कहता हूं मुझे कोई हर्ट नहीं कर सकता, मैं कहता हूं, पता क्यों, मेरी एक्सपेक्टेशन नहीं है। Somebody say, कोई आपको बुलाए ना बुलाए, उन्हें मेनू हंस के गल नहीं की, मेनु मेणा मार दिता, अंज करता, उंज कर दिता, कदे भी एक्सपेक्ट ना करो। बोलो हालेलुया। बोलो बोलो। किसी ने कहावत सुनी है, आए तो वेलकम, ना आए तो भीड़ कम। भीड़ कम जिड़े आज भी, जिड़े ना आए तब भी। बोलो बोलो हालेलुया। कई बार किसी ने मेनू कहा पास्टर जी हम आपको बुला नहीं सके, हम आपको बुला नहीं सके वहां पर, आपको ना ऐसा ऐसा था। मैं तो फिर क्यों, आप क्यों कितनी गिल्टी फील कर रहे हो, इट्स ऑल ओके। नहीं नहीं आपको बुरा लगा हुआ, मैंने लगे भी नहीं, क्या क्या बुरा लगवा रहे हैं। नहीं नहीं आपको लगा है। बोलो बोलो। हाँ जी, पिछे में बैठा सी साढ़े घर की कुड़ी ने कहा, कहते 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 यार कोविड से तेनू कोविड नहीं होया। परमेश्वर के वचन में लिखा, ध्यान सुनो, अगर इस कंट्री में खुदावन ने हमारे पैर रखे हैं ना, तो याद रखना ये कंट्री ब्लेस होनी लाजमी। बाइबल कहती है मसीह इंसान जहां पर जाएगा वहां पर गवाहियां, खुशहाली, रोटी कभी कम नहीं होगी। कलाम कहते हैं समड़ी से वो नगर ब्लेस किया जाता है, वो इलाका ब्लेस किया जाता है। बोलो हालेलुया। श्रापित है, कर्स इज द मैन, जहां पर उसके पैर हो वहां पे खुशखबरी ना हो। बाइबल कहती है, कहते जहां पर तुम्हारे पैर हो वहां पे क्या होनी चाहिए, गुड न्यूज,
बोलो हालेलुया। हमारा घर में होना, हमारे बच्चों के पीछे रहना, हमारे परिवारों में आना, हमारे कोई भी काम करना, वहां पे गुड न्यूज बड़ी लाजमी है। सबड़ी से को लोग कहें आपको कि ये चुनी हुई वंश है, ये दिया चोजन वेसल ऑफ अ लिविंग गॉड, ये लाजमी है। बोलो हालेलुया। यू रियली नीड टू हैव एन अनशेकेबल प्रेयर लाइफ। सबड़ी से जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल पता क्या कहती है, परमेश्वर के वचन में लिखा, ध्यान सुनना, बहुत सारे बिली ग्राम जैसे, जॉयल ऑस्टन, जितने भी प्रचारक यहां पे प्रचार कर रहे हैं, जो करके चले भी गए, एंड ट्रूली टेल यू, मैं आपको एक दोबारा एक बार बोलता हूं, उन्होंने इसी चीज का प्रचार किया, जैसा वो था वैसा ही हम हैं। समबड़ी से कितने लोग कहते ना उसे, कितने लोग कहते पादरी साहब तुम तो पादरी हो, तुम तो कहोगे पादरी साहब वो तो यीशु सीगा, तुम तो कहोगे। बोलो शरीर से आया सी, बोलो ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੂਈ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਅਰੇ ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਾਕ ਰੂਹ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਜੋ ਉਹ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝੀ ਸੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋਰ ਦੀ ਬੋਲੋ, ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਯਾ। ਯੂ ਨੋ why god doesn't bless us, you know, don't count the blessing, you have a house and business and everything, don't count the blessing, your blessing should be christ jesus, that is the real blessing, hallelujah। koi tane puche tadi miras ki hai, meri miras mera khuda hai, unne mainu jeena sikhaya, mainu khada karna sikha, aur bolo hallelujah। aaj bhi oh sadiyan na kamzoriyan nu na samne nahi leke aunda, baar baar pata ki kehta hai, man jayega, sun la kalam, man ja, tenu dur kar, man ke chhad, tete daya kiti jayegi, tete fazal hoega, aur tera karana karane de vichon teri nasla jo bimari kat ke tenu sir bana dunga, Allah kalam kehnda, bolo hallelujah। somebody say bible kehti hai, parmeshwar ke vachan mein likha, daniel ke liye ek hastakshar nikla, ek death sentence nikli, ab bible pata kehti hai, jab daniel ke liye death sentence nikla, pata kya kaha use, kaha ki isko maar diya jayega, kya kar diya jayega। और बाइबल पता क्या कहती है, वो तीन समय प्रार्थना करता था, कितने समय, बोलो हालेलुया, जोर से बोलो, वो तीन समय प्रार्थना करता था। बाइबल कहती है, जब वो सुबह को प्रार्थना करता था, दोपहर को प्रार्थना करता था, शाम को प्रार्थना करता था, दोपहर को उसको डेथ सेंटेंस मिला कि तेरे एक हफ्ते के बीच में यू विल बी किल्ड, और तुझे शेरों की मांद में डाला जाएगा। और बाइबल कहती है, वहां के प्रवचन में ऐसा लिखा कि वो अपनी रीति के अनुसार प्रार्थना करता गया। He did not stop the prayer. उसने दुआ बंद नहीं की थी। बाइबल जी पता की लिखिया, जो तो उन्हें पता लगा ना कि मैनू मार दिता जाएगा, पर फिर भी कहते कि उसे तरीके के नाल शुक्रगुजारी करता गया। ओ समबड़ी से बोलो हालेलुया। I have the amplified Bible. Amplified Bible में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। Summary Bible में बहुत अच्छा लिखा हुआ है। You know, अपने पैसे में invest करो, अच्छी Bibles रखो, अपने लिए translation Bible रखो, Bible study Bible रखो, आपको बहुत सीखने को मिलेगा। बोलो हालेलुया। अपना पैसा सही जगह invest करो। Summary से बोलो हालेलुया। मैंने amplified Bible पता क्या लिखा? They said that Daniel was giving thanksgiving to the Lord day and night. एक बंदे को पता लगे कि तेरा घर खत्म होने वाला, तेरे बच्चे मर जाने हैं, तेरे खानदान च खुशी नहीं रहनी, पर फिर भी वो शुक्रगुजारी कर रहा है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और जोर दी बोलो। This is called the unshakable life. आपको पता ये कंट्री ब्लेस क्यों होगी? क्योंकि हमारी अनशेकेबल प्रेयर होगी तो हमारी कंट्री भी ब्लेस होगी। समझ से इस कंट्री में हमारे बच्चे जब होंगे ना, बड़े होंगे, जब कॉलेज यूनिवर्सिटीज में जाएंगे, डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, चाहे जितना मर्जी यहाँ पर पाप और गंदगी क्यों ना हो, हमारे बच्चों पे खुदा का फजल हमेशा बना रहेगा। ओ समी से मैं रोब ना कहना कि मेरी कुड़ी जिथे जाएगी वो सिर बन के रहेगी। समी से वी डू नॉट नीड टू फियर अबाउट एनीथिंग। खुदा कहता है मैं दिलों को बदलने वाला खुदा हूँ, वो आंखों को बदल देता है, दिलों को बदल देता है, सोच को बदल देता है। आपको क्या लगता है कि आपके बच्चे जाएंगे बिगड़ जाएंगे, किमें हो जाएगा? हो ही नहीं सकता। मौत शर्मिंदा होगी तो साडे बच्चों के दिलों में भी खुदा बदल की ताकत रखता है। समझी से यहाँ की जितनी भी हुकूमतें ना, उनके भी मन बदलेंगे इफ यू हैव अनशेकेबल प्रेयर। अनशेकेबल प्रेयर, बोलो हालेलुया।
बाइबल कहती है कि दोपहर को उसे मिला के उसे मार दिया जाएगा। उसने ब्रदर जी शाम को थैंक्सगिविंग दी रब नु, शुक्रगुजारी दी रब नु, पता की किया, हे प्रभु जिद्दा मैं तेरी शुक्रगुजारी करता आया सी ना, आई विल नॉट चेंज, मेरे वर्ड्स चेंज नहीं होंगे, मेरी जिंदगी च कुछ बदलाव नहीं होगा, जिद्दा मैं सीगा ओदा ही रहूंगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। और सब बड़ी से बस बात एक प्रॉब्लम पता क्या है, बिकॉज वी स्पीक नेगेटिव, दैट्स अ प्रॉब्लम। हमारे ऊपर कोई प्रॉब्लम आए ना, वी ऑलवेज स्पीक नेगेटिव एंड दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा, इंसान अपने मन से जो बातें निकालता है वो अपने मुंह पर लेकर आता है, जो अंदर है वही मुंह पर है। जो शुक्रगुजारी आपके अंदर है ना वो मुंह पर भी होगी, अगर आपके अंदर गुस्सा होगा तो आपके मुंह पर भी होगा। हालेलुया, जोर दी बोलो। कई लोग कहते हैं ना हम अंदर से खुश है बाहर नहीं दिखता, जोर दी बोलो बोलो। कई लोग ताड़ी मारेंगे इधर मारेंगे, हमने दिखावा थोड़ी करना है, दिखावा मैं कहता ताड़ी मारे तो मारो फिर जोर दी बोलो हालेलुया। तो इन्हें कुछ की होया भी, प्रभु तो दिलों को जांचता है, कहना कि प्रभु की करता है, प्रभु को भी पता है कि तू सी ब्लेस्ड हो, तानू क्यों तभी बड़ा बड़ा कर, वो तानू फोटो दिखा दे प्रभु, देख राज जा, बोलो बोलो somebody से। बाइबल कहती है तुम आशीषित होते हो, ब्लेस्ड होते हो, और श्रापित पता क्यों होते, जो तुम्हारे मन में वो तुम्हारे मुंह पर है। बोलो हालेलुया somebody से। बाइबल पता क्या कहती है, ध्यान सुनना, मैं फिनिश कर रहा हूं, दो मिनट में हम प्रार्थना करेंगे somebody से। ओ जोर से बोलो, मुझे पता है गवाही भी है यहां पर, एंड विल हियर द टेस्टिमनी आल्सो somebody से। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर ने मूसा को बोला मेरे लोगों को छुड़ा। बाइबल कहती है जैसे वो मिस्र की गुलामी से निकले, खुदावन ने क्या बोला, जाओ कनान में जाना है, कहां पे जाना है, प्रॉमिस लैंड, कहां पर, इज दिस अ प्रॉमिस लैंड, हां हूं तो बोलो, ना भी बोलो कुछ तो बोलो, इज इट अ प्रॉमिस लैंड। एक ब्रदर जी आया, उन्होंने वीजा लगा सी का, तो मैं ना नहीं लेना, उन्होंने एयरपोर्ट से आके धरती ने चुमया सी का, किस की तिया है अमेरिका आया है, कहते पास जी दूध ते शहद दी नदियां बहदियां, मैं कह तू आज तो बाद ना मेरे पे चर्च आ, मैं तेरे ना हुण नहीं गल करनी, दूध ते शहद दी नदियां बहदियां, कहते इत्थे, मैं कह इत्थे शराब दी नदियां भी बहदियां, ड्रग्स भी बहदे, बोलो बोलो, इन्नू स्वर्ग बनाया है लोगों ने, इज दिस द हेवन, बोलो हालेलुया। आपको पता व्हाट 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 इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ हेवन, मैं फिर कहना, मैं हमेशा के मैं जर्सी में प्रचार किया, मैं दस्या सीगा, अगर स्वर्ग दे विच यीशु नहीं है ना, मेरे कोई शौक नहीं है। बोलो 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 बोलो, बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं है कि तुसी स्वर्ग जाओगे, बपतिस्मा सर्टिफिकेट नहीं है कि असी, शायद किसी ने कलाम सुनिया नहीं है, मैं हमें पढ़ाना नहीं, बाणी बाणी दे विच पता की लिखा, कलाम दे विच लिखा, जेड़ा अंत तक वफादार रहेगा ओ ही बचाया जाएगा। कमेडी से बपतिस्मा लेके नहीं बचाए जाते, कहते जेड़ा अंत तक वफादार रहेगा ओ ही बचाया। समड़ी से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में लिखा, जैसे ही मूसा निकाल के लेकर गया, 11 दिन का रास्ता 40 साल में बदल गया, 11 दिन का रास्ता कितने साल में बदल गया, 40 years। बोलो हालेलुया। इसका कारण पता क्या है, बिकॉज दे स्पीक नेगेटिव, दे कन्फेस नेगेटिव, दे ऑलवेज स्पीक कुछ गलती होगा, गलती होगा, गलती होगा, गलती होगा। बोलो हालेलुया। याद रखो इस बात को, जिस कंट्री में खुदा लेके आया ना, एक कंट्री माड़ी नहीं है, जिसे तानू खुदा ने पैदा भी किया ना, वो भी माड़ी बस सबड़ी से। किन्ने लोग अपने पंजाब में जरा माड़ा बोलते ना, मैं सच्ची गल ना, फिर मेरी क्लास में लाना हूं ना, फिर मैं अपनी कंट्री नू, पाकिस्तान नू, इंडिया नू माड़ा कहेंगे, इधर नू कहेंगे, अपने शहर नू माड़ा कहेंगे, क्यों माड़ा कहने हो। बोलो हालेलुया। इस कंट्री दे विच खुदा सानू पता क्यों लेके आया, याद रखना इस कंट्री ने सानू दिता, असी इस कंट्री नू दिता है, अगर तुसी देने वाले नहीं हो, तुसी लैण वाले भी नहीं हो सकते, ਜਿਹੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਨਾ, ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਖੱਤੇ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਤੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
बोलो बोलो somebody से बोलो हालेलुया never confess something wrong from your mouth and I truly believe आज का दिन खुदाबंद की तरफ से fourth of July means खुदा ने इस कंट्री को आजाद किया इसी कारण से क्योंकि मेरे लोग वहां पर हैं मेरे लोग वहां पर हैं बोलो हालेलुया somebody से आज प्रार्थना करना दुआ करना इस कंट्री के लिए मैं चाहता हूँ कुछ नेगेटिव कन्फेस ना करना अगर आपको कुछ नहीं मिला है ना अभी तक कुछ नहीं मिला है ना उसके पीछे एक कारण है क्योंकि हमने कुछ गलत बोला है अपने मुंह से स्टॉप इट ना बोलना बंद करें नहीं मिल रही जॉब नहीं बिजनेस सेटल हो रहा नई चीजें ठीक हो रही है ना डू नॉट वरी अबाउट एनीथिंग कन्फेस फ्रॉम योर माउथ खुदावन जो इधर तक लेकर आया आगे भी लेकर जाएगा और मेरे होने से कंट्री ब्लेस हो सके मेरे होने से खुदावन ने बहुत जगहों पर इतनी तेरा बरकत और तेरे नाम को मैं ऊंचा करने वाला हूँ सबड़ी से अंगीकार करने में खुदावर मैं तेरे नाम को ऊंचा करने में शामिल होता तेरे वचन में जरमाया ने कहा हालेलुया क्या परमेश्वर के लिए मुश्किल है कुछ मुश्किल नहीं है अगर मैं तुम्हें बदवाई में लेकर जाऊंगा तो मैं ही तुम्हें छुड़ा लूंगा अगर मैं तुम्हें मुश्किलों में लेकर जाता हूं मैं ही तुम्हारे ईमान को भी खड़ा कर दूंगा अगर मैं तुम्हें बर्बादी के सामने खड़ा करता हूं और बर्बादी शर्मिंदा होगी और तेरे हिस्से में गवाहियां होंगी हालेलुया तेरे बच्चों की जिंदगी में गवाहियां होंगी हालेलुया अपने हाथों को उठाओ सभी धन्यवाद करो हालेलुया प्रेज इट हालेलुया अपने हाथों को उठाओ धन्यवाद करो बोलो यीशु मसीह के नाम से हालेलुया जो परमेश्वर मेरा है वो मेरे साथ खड़ा है तू जिसके लिए भी बोले वो पल में शिफा को पाए तू छू लेता है जिसको वो जिंदगी नहीं
Definitely do not go, just be connected. Thank you, church. God bless you. Take care.